मैं पुष्पेंद्र जैन, संयोजक करुणा इंटरनेशनल केंद्र मढ़ावरा जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश। शाकाहार विषय पर आधारित प्रतियोगिता में मैं अपने विचार रखता हूँ और आज वर्तमान परिवेश में शाकाहार की महती आवश्यकता हो गई है, क्योंकि वातावरण इतना बदल चुका है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ वातावरण भी इतना दूषित हो गया है कि आज हमें शाकाहार अपनाने की जरूरत है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि हमें मांसाहार करना चाहिए। शाकाहार सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों में कहा गया है कि शाकाहार को ही अपनाएं। शाकाहार ही सुखी जीवन का आधार है। कहा गया है, चाहे लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो हजार, पशुओं पर करुणा नहीं तो सब कुछ है बेकार। आज वर्तमान परिवेश में कोविड-19 के कारण हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से ग्रसित है, जिसका मुख्य कारण मांसाहार ही है। एक गलती के कारण आज पूरा विश्व उस गलती के लिए भुगत रहा है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम शाकाहार को अपना करके अपने जीवन को सुखी बनाएं और जीवन का मूल आधार शाकाहार ही बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे पशु पक्षियों व पशुओं के लिए उनकी हत्या का होना एक भारत देश के लिए बड़ा ही कलंक है। इन मूक प्राणियों की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा, शाकाहार को अपनाना होगा। शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। शाकाहार ही हमें उच्च श्रेणी की ओर ले जाएगा। शाकाहारी भोजन से ही भारत देश की पहचान है। भारत देश ही हमें इस शाकाहार के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का आग्रह करता है। भारतवासी शाकाहारी ही होते हैं, जो विदेशों में जाकर के शाकाहार को अपनाते हैं और वह अपने देश की अनूठी छाप छोड़ कर के विदेश में आते हैं। हमें आज आवश्यकता है, शाकाहार को अपनाएं। शाकाहार ही सुखी जीवन का आधार है। जय करुणा, जय भारत, जय शाकाहार।